मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सहकारी बैंकों में घोटाले की जांच की बात करते हुए कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक जनता की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मैं मंत्री नहीं जनता का सेवक हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहे विधायक रहूं या मंत्री या फिर कांग्रेस का एक मामूली कार्यकर्ता, हर हाल में मैं जनता की सेवा करना ही मानता हूं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लगातार झूठे वादों से परेशान होकर जनता ने भाजपा को हार का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि जनता उसी को चुनती है जो उनकी सेवा कर सके, और जनता ने वही किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से आज मुझे प्रदेश में मंत्री बनाया गया, जिसके लिए मैं जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए हैं उन पर कांग्रेस सरकार खरी उतरेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सभी लोग एक ही लगाया जाता है। एक बहुत बढ़िया।